हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम बैक टू शगोरिका क्रिएटिविटी। सो गाइस, आज मैं लेके आई और एक आर्टिफिशियल फ्लावर की केक की डेकोरेशन। तो मैंने ले लिया है बेस, इनको तीन स्लाइस में कट करके, ये रहा गनाज, थोड़ी सी गनाज भी ऐड कर दिया है। और आप लोगों को इन वाली केक की वीडियो पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि जिनकी फाइनलाइजिंग परफेक्टली नहीं होती, मतलब उतनी क्लीन नहीं होती, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, और बिना क्रीम के मदद से आप लोग कैसे शेडेड इफेक्ट, कलरिंग शेडेड इफेक्ट दे सकते हो, उनकी भी ट्रिक मतलब दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए क्या बिना स्किप किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सेकेंड लेयर, और मैंने जो है फिर से गना सेट कर दिया है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, क्योंकि कस्टमर की उतनी डिमांड नहीं थी, उनको बस चाहिए था कि क्रीम ज़्यादा ना लगे और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर से केक की डेकोरेशन चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ी चॉकलेट की फ्लेवर दिया जाए, क्योंकि गनाश भी बनी हुई थी और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी, क्योंकि मैं जो है ये वाला केक जो है मेरे बर्थडे के दिन ही बना रही थी, मतलब पहले दिन 10 अप्रैल में बना रही थी, तो सब कुछ बनी हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐड किया जाए तो कस्टमर को भी उतना अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को अगर मेरे से केक लेना है, कोई भी कस्टमाइज केक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं जो है पूरी डिटेल दे दूंगी, मतलब कस्टमर को जैसे केक चाहिए होती है मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ये वाला केक की डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ये रहा फाइनल आइसिंग, मतलब क्रम कोटिंग, तो क्रम कोटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो जब फाइनल आइसिंग करोगे तब दिक्कत आएगी। अब देख सकते हो कि केक जो है पूरी तरह सेट हो चुकी है। तो अभी मैं जो है फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, फाइनल आइसिंग में व्हाइट क्रीम की मदद से कर रही हूँ और पाइपिंग बैग की मदद से, ताकि क्रीम ज़्यादा ना लगे और केक के चारों ओर जो है इवनली स्प्रेड हो। तो ये वाला जो क्लिप है, यहाँ तक कि मैं जो है केक की, मतलब मेरी केक की वीडियो से लिया है, क्योंकि तब उतनी स्पेस नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले वीडियो से ले लूं, क्योंकि बेस के काम जो है वो सेम ही है और ऊपर की जो डिज़ाइन है वो अलग है, तो मैं वो अभी दिखाऊंगी। तो ये रहा फाइनल आइसिंग। तो मैं जो है क्रम कुटिंग के समय में थोड़ी क्रीम ज़्यादा लग गई थी, तो इसीलिए मैंने जो है क्रीम थोड़ी कम लगा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को भी थोड़ा कम ही क्रीम चाहिए था, तो इसीलिए। ठीक है, और अगर आपकी केक जो सेटिंग अगर सेट नहीं हुई होती, तो आपकी जो है अंदर की जो क्रीम है वो ऊपर आने लगेगी, लेकिन मेरे जो केक है वो सेट हुई है प्रॉपरली, तो इसीलिए मैंने जो है मेरे जो है अंदर की क्रीम वो ऊपर नहीं आ रही है। ठीक है, तो जिनको फाइनलाइजिंग के मतलब परफेक्ट फाइनलाइजिंग नहीं आती, तो एक ब्रश लेना है और टर्न टेबल को रोटेट करते हुए इसी तरह एक पैटर्न बना देना है। हालांकि ये वाला जो पैटर्न है बाद में बनाना चाहिए था, फिर से मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि टर्न टेबल को रोटेट करना है, बस पैटर्न बन जाएगा। और ये रहा शेडेड इफेक्ट। तो मेरे पास उतना क्रीम नहीं था, तो मैंने क्या किया, टूथपिक लेकर जिन कलर की आपको शेड देना है बस ड्रॉप, मतलब डीप करना है टूथपिक को, और बस इसी तरह डब डब करते हुए केक की जितनी स्पेस आपको कवर करना है शेडेड इफेक्ट से, बस उतनी आप लगा लो। मुझे जो है येलो और ब्लू कलर की शेडेड इफेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं जो है ऊपर येलो और ब्लू कलर की फ्लावर इस पे मतलब प्लेस करने वाली हूँ। हालांकि बाद में जो है मैं पर्पल कलर की क्रीम भी फ्लावर भी ऐड किया है, लेकिन तभी माइंड में नहीं था, तो इसीलिए मैंने जो है ब्लू और येलो कलर की शेडेड इफेक्ट दे दिया है। ठीक है, बस आपको कलर लगाना है और इसी तरह ब्रश लेते हुए पैटर्न बना देना है। कितनी सुंदर सी एक पैटर्न बन गई है और इतनी सुंदर सी एक शेडेड इफेक्ट बन गई है, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये रहा फ्लावर, इसको भी हम लोग प्लेस कर देंगे। तो गाइज, ये रहा मेरा आर्टिफिशियल फ्लावर से शेडेड इफेक्ट केक की डिज़ाइन। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब बहुत ही शानदार सी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।